गणपतये नमः। श्री गुरुदेव दत्त। नमस्कार मित्रों, प्रॉफिट 666 चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको नवग्रहों से होने वाली पीड़ा शांत करने के लिए शक्तिशाली 15 के यंत्र उपाय के बारे में बताने जा रही हूँ। इस सरल उपाय से साधक को किसी भी ग्रह से पीड़ा नहीं होगी और उसके कुंडली में दुष्ट, पापी और मारक ग्रहों से होने वाली परेशानी इस चमत्कारी यंत्र को धारण करने से बंद हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। 15 के यंत्र को सबसे शक्तिशाली हिंदू यंत्रों में से एक माना जाता है। इस यंत्र को धारण करके बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि वशीकरण, धन आकर्षण, नौकरी प्राप्ति और नौकरी में बढ़ोतरी, शत्रु के समस्या से छुटकारा, प्रेम में सफलता, शीघ्र विवाह और ग्रहों की पीड़ा का निवारण। इसके पहले हमने इसी चैनल पर 15 के यंत्र के इस्तेमाल के किए जाने वाले अलग अलग प्रयोगों की जानकारी दी है और आज इस वीडियो में बताए नवग्रह पीड़ा हेतु निवारण यंत्र प्रयोग से ग्रहों संबंधित हर पीड़ा, क्लेश, साढ़े सती का निवारण हो जाता है। अब मैं आपको इस यंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। इस यंत्र को आप किसी भी दिन सफ़ेद रंग के कागज पर लाल रंग के स्याही के पेन से या भोजपत्र पर अष्टगंधा की पेस्ट से एक नुकीले लकड़ी के टुकड़े से बना सकते हो। इन दोनों तरीकों में से किसी भी एक तरीके का आप इस्तेमाल कर सकते हो। यंत्र बनाने के बाद आपको उसके सामने धूप या अगरबत्ती और दिया प्रज्वलित करके उसकी पूजा करनी है और फिर उसे धातु या कपड़े के लॉकेट में डालकर अपने गले में धारण करना है, या यंत्र को आप लैमिनेट करके अपने जेब में, बटुए में या पर्स में रख सकते हो। अब मैं आपको यंत्र कैसे बनाना है वह बताने जा रही हूँ। यह देखिए, नमूने के तौर पर मैंने सफ़ेद रंग के कागज पर लाल रंग की स्याही से यह यंत्र यह बनाया है। उसके लिए मैंने एक स्क्वायर निकाला है। उस स्क्वायर के अंदर छोटे 9 स्क्वायर है और उसमें कुछ अंक लिखे हैं और बाजू में कुछ बीज अक्षर लिखे हैं। पहले मैं आपको अंक बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। 8, 1, 6, 3, 5, 7, 4, 9 और 2 और बाहर कुछ मैंने बीज अक्षर लिखे हैं, वह देखिए। राम ओम राम श्रीम, स्वा क्रौम, ठह ठह ठह। मित्रों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रभु सबका कल्याण करेंगे।